मोटापा आज के समय में एक बड़ी चुनौती बन गई है। मोटापे को लेकर एक कहावत भी कही गई है कि मोटापा बढ़ता जाता है, सेहत को चुपचाप खाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है जब बीमारियां साथ लाता है। नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय और आप बोल्ड स्काई हिंदी देख रहे हैं। मोटापे और शुगर सिर्फ वजन बढ़ने और डायबिटीज तक सीमित नहीं रहते, बल्कि यह आपके महत्वपूर्ण अंगों में से एक लीवर को भी दोबारा कैंसर के खतरे में डाल सकते हैं। आपको बता दें, एक हालिया शोध में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जिसमें मोटापा और शुगर लीवर में होने वाले HCC यानी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा नामक कैंसर को वापस लाने का खतरा कई गुना बढ़ा देते हैं। अगर आपने ऐसा सोच लिया है कि कैंसर एक बार ठीक होने के बाद खतरा टल गया है, तो ये खबर आपकी सोच को बदल सकती है। कैंसर जैसे बीमारी का नाम सुनते अक्सर लोग डर जाते हैं, और अगर बात लीवर कैंसर की करें तो दुनिया भर में सबसे आम कैंसरों में से एक और यह कैंसर से होने वाली मौतों का तीसरा प्रमुख कारण भी है। एक शोध में यह दावा किया गया है कि मोटापे और शुगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जुड़े होते हैं, जो फैट जमा होने की बीमारी को बढ़ावा देते हैं। एक रिसर्च के दौरान हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में मोटापे और शुगर के कारण फिर से होने का खतरा अधिक होता है, और एक रिसर्च में यह भी पाया गया है कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के 1644 मरीजों का अध्ययन किया गया जिनकी लिवर रिएक्शन सर्जरी हो चुकी थी। परिणामों में पता चला कि सर्जरी के 2 साल बाद मोटापे से पीड़ित मरीजों में कैंसर का दोबारा खतरा 1.5 गुना बढ़ गया, जबकि शुगर मरीजों में यह खतरा 1.3 गुना अधिक था। वहीं 5 साल बाद मोटापे से ग्रसित मरीजों में कैंसर दोबारा होने का खतरा 3.8 गुना और शुगर मरीजों में 2 गुना बढ़ गया। वहीं शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि मोटापा और शुगर को कंट्रोल करना जरूरी है ताकि लीवर कैंसर के दोबारा होने से बचा जा सके। आपको बता दें कि मोटापा मधुमेह के लिए एक कॉमन रिस्क फैक्टर भी है, और दोनों स्थितियां अक्सर जुड़ी होती हैं। हालिया शोध में पता चला है कि अगले 40 वर्षों में मोटापे से ग्रस्त लोगों की संख्या 6 गुना बढ़ जाएगी, जबकि डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या 2040 तक 642 मिलियन हो जाएगी। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। धन्यवाद।